चेन्नई को दिल्ली ने हराया, धोनी के नाम एक और फरमान आया। अब मैच होगा वो ताबड़तोड़ जिसमें टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। जैसे ही धोनी से दिल्ली हारी, चेन्नई में होने लगी बड़ी तैयारी। अब वो ऐतिहासिक मैच खेला जाएगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। जैसे ही चेन्नई ने दिल्ली को हराया, पॉइंट टेबल में बवंडर आया। फेल हो गया बीसीसीआई का प्लान, अब मचेगा घमासान। जी हाँ, चेन्नई की जीत के साथ ही एक बड़ा काम हो गया है। जैसे ही दिल्ली के मैदान पर धोनी ने अपनी टीम को जिताया, उनके नाम एक फरमान आ गया, जिसके बाद अब आईपीएल में इस ऐतिहासिक मैच की तैयारी शुरू हो गई। जिसकी उम्मीद फैंस इस साल लगा रहे थे, अब वो मैच खेला जाएगा जिसमें आईपीएल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। फैंस मैच देखने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। साथ ही चेन्नई की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में भी हंगामा मचा दिया है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, पहले मैच की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड भी बने। नंबर एक, चेन्नई ने इस लीग के इतिहास में 28वीं बार 200 प्लस का स्कोर खड़ा किया और ऐसा कारनामा करने वाली वो अकेली टीम बन गई है। नंबर दो, कॉनवे ने आईपीएल करियर का नवा अर्धशतक पूरा किया और गायकवाड़ ने अपना 13वां अर्धशतक लगाया। नंबर तीन, आज कॉनवे और गायकवाड़ के बीच पहले विकेट के लिए 141 रन की साझेदारी हुई। ये साझेदारी पहले विकेट के लिए आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई और चेन्नई के लिए भी आईपीएल इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी। नंबर चार, कॉनवे और गायकवाड़ आईपीएल इतिहास के छठे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम सबसे ज्यादा 100 रनों की साझेदारी हुई है। दोनों ने अब तक 4 बार 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की है। वहीं कॉनवे ने इस सीजन का 1000वां छक्का लगाया। आज आईपीएल के 16वें सीजन का 67वां मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच फिरोज शाह कोटला मैदान में खेला गया। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और पहली गेंद से दोनों ओपनर बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड 141 रनों की साझेदारी हुई। गायकवाड़ ने 50 गेंद में 7 छक्के और 3 चौकों से ताबड़तोड़ 79 रन बनाए और किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। तो वहीं कॉनवे ने 50 गेंद में 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से सभी गेंदबाजों की नजदीली करते हुए 82 रन बनाए। उसके बाद शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा ने भी दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर बखियां उधेड़ी। शिवम दुबे ने 9 गेंदों में 3 तूफानी छक्कों के साथ 22 रन बनाकर आउट हुए, तो जडेजा ने 7 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर नाबाद रहे। धोनी 4 गेंदों में 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इन तूफानी बल्लेबाजों की बदौलत चेन्नई ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 223 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। पहाड़ से रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली को बड़ा करारा झटका लगा और ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से दिल्ली के लिए दगाबाज निकले और दिल्ली की लुटिया डुबोने वाले बल्लेबाज बन गए। हालात दिल्ली के बस से बदतर रहे और आखिरी समय तक पूरी टीम चेन्नई के गेंदबाजों के सामने रनों के लिए तरसती रही और अपने घरेलू मैदान में दिल्ली की कप्तान डेविड वार्नर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जो आखिरी समय तक अकेले इस जंग में चेन्नई से लड़ते रहे। लेकिन हार की कुछ गेंद पहले ही धोनी की सेना के आगे उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। वार्नर 58 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों की मदद से 82 रन बनाकर आउट हुए। बाकी दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज 20 रन तक भी नहीं पहुंच सका। पूरी टीम कुल 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाकर मुकाबला 77 रनों से हार जाती है और धोनी की सेना को शानदार जीत हो जाने की विदाई देती है। चेन्नई के प्लेऑफ में जाते ही अब क्रिकेट इतिहास के व्यूअरशिप का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। धोनी ऐसा कीर्तिमान रचने वाले हैं जो क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वहीं चेन्नई के प्लेऑफ में जाते ही मुंबई और बेंगलोर की धड़कनें तेज हो गई हैं और अब दोनों टीमें आज लखनऊ की हार की प्रार्थना कर रही होंगी। वहीं आज अगर लखनऊ मुकाबला जीतती है तो प्लेऑफ की 3 टीमें फाइनल हो जाएंगी।